नमस्कार, हाजिर एक बार फिर से आपके साथ उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को लेकर। दोस्तों, हम आपको उत्तर प्रदेश की अब तक से लेकर रात तक की सभी बड़ी खबरें बताएंगे, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ बिना वक्त गवाए फटाफट से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का डर, आजम खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ, बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर से बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में सराफा की दुकान पर लूट, 400 ग्राम सोना 14 किलो चांदी ले गए बदमाश। जी हां, बता दें कि लखनऊ में सरोजनी नगर में बदमाशों ने सराफा की दुकान पर धावा बोल दिया। बता दें कि शटर तोड़कर तीन बदमाश अंदर पहुंच गए, वहीं तीन लोग बाहर खड़े होकर आने जाने वालों पर निगाह रख रहे थे। साथ ही बता दें कि बदमाशों ने सराफा की दुकान से 400 ग्राम सोनी और 14 किलो चांदी के गहने चोरी किए हैं। और बता दें कि स्थानीय लोगों ने शटर टूटा देख सराफा और पुलिस को सूचना दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, विधानसभा में उल्टा पड़ गया अखिलेश यादव का दाम, नंबर बढ़ाने की चाहत में टेंशन में इजाफा। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश में आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बता दें कि सत्र का पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भारी शोर शराबे के बीच अभिभाषण पढ़ना पड़ा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि महंगाई, कानून व्यवस्था और आवारा पशु जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच नंबर बढ़ाने की कोशिश में किया गया हंगामा अखिलेश यादव के लिए उल्टा पड़ा दिखा। बताने की सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव काफी अलग थलग पड़ गए। अगली बेहद बड़ी खबर, बचोगे आप भी नहीं योगी बाबा की सरकार में, हिंदू से शादी के बाद डरी लुबना ने परिवार को चेताया। जी बताने की हिंदू लड़के से शादी कर लुबना से आरोही बनी बरेली की लड़की ने एक वीडियो में अपने चाचा पर हत्या की कोशिश का इल्जाम लगाया है। बताने की उसने परिवार के कई अन्य सदस्यों के नाम लेते हुए कहा है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से उससे शादी की है, जिससे बचपन से प्यार करती थी। लड़की ने अपने परिवार वालों को उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी न करने की हिदायत देते हुए चेताया है कि यदि उन्होंने उसे या उसके पति को कोई नुकसान पहुंचाया तो वे भी बच नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वही अगली बड़ी खबर, 2021 से अब तक कर रहे थे शिक्षक की नौकरी, अब होगी वसूली, जाने मामला। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक इंटर कॉलेज में कार्यरत एक शिक्षक के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बताने की पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पूरा गांव के अरविंद इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत विपिन सिंह ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की है। इस मामले में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता नहीं लेकिन उनकी बीवियां कौन थी, असदुद्दीन ओवैसी की फेसबुक पोस्ट पर विवाद। जी हां, बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि अपने फेसबुक पेज पर ओवैसी ने एक पोस्ट में कहा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। इसके साथ सवाल उठाया है कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी, और ओवैसी के इस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। साथ ही अम्मू ने कहा कि ओवैसी ने इस बयान से यह साफ कर दिया है कि मुगलों ने सिर्फ लूटपाट ही नहीं बल्कि बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी किया। अगली बेहद बड़ी खबर, खूब वायरल हो रहा लखनऊ हाईवे पर महिला सेक्रेटरी के फायरिंग का वीडियो, जाने सच। जी हां, बताने की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कुड़वाल ब्लॉक की महिला सचिव का एक वायरल वीडियो सामने आया है। बताने की वो खुलेआम रिवॉल्वर से गोली चला रही है, जबकि लाइसेंस असहला से खुलेआम फायरिंग गैर कानून है। बताने की लाइसेंस भी उनके नाम नहीं है। सोशल साइट पर वायरल हो रहा वीडियो लखनऊ नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। बताने की वीडियो के बारे में सचिव ने कहा है कि ये असली रिवॉल्वर नहीं है, बच्चों की खिलौने वाली बंदूक है। बताने की मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर है, ट्रैफिक पुलिस और भाजपा नेता में नोक झोंक, चालान करने पर बवाल। जी, बताने को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बस स्टॉप के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रैफिक पुलिस के दीवान और भाजपा नेता में नोक झोंक हुई। बताने की दीवान ने भाजपा नेता का ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर चालान कर दिया, जिस पर वो आग बबूला हो गए। आपको बताने की उन पर आरोप है कि गाड़ी से उतरते ही भाजपा नेता ट्रैफिक दरोगा को गालियां देने लगी और उसे देख लेने की धमकी दिया।
आपको बता दें कि ट्रैफिक दीवान ने यातायात नियम के उल्लंघन का उन पर आरोप लगाया और गाड़ी कोतवाली ने चलने को कहा, जिस पर बात बढ़ गई। बता दें कि उनके समर्थक भी गाड़ी से उतर आए, दीवान सत्य प्रकाश से उलझ गए। अच्छा, अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के खिलाफ FIR को कोर्ट में अर्जी जाने, सपा अध्यक्ष के ज्ञान माफी पर किस बयान से नाराज। जी हाँ, बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, AIIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में आवेदन दिया गया है। बताने के ज्ञानवापी मुद्दे पर इनके बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत होनी का आरोप लगाते हुए अदालत से मांग की गई है कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों का 1 जून से सत्यापन, जुड़ेंगे नाम, इन्हें करना होगा सरेंडर। जी हां, बताने की राजधानी के राशन कार्ड धारकों का अब सत्यापन होगा। बताने की कार्ड धारकों की पात्र और अपात्र की जांच का काम अगले माह 1 जून से शुरू होगा और सत्यापन के दौरान अपात्र कार्ड धारक का राशन कार्ड निरस्त होगा, वहीं पात्र परिवारों को राशन लाभार्थी की सूची से जोड़ा भी जाएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सपा नेता टैंकरों से करवाता था पेट्रोल डीजल की चोरी, दबिश देने पहुंची STF टीम को कुचलने का प्रयास। जी हां, बताने की पेट्रोल डीजल और डीनेचर्ड स्प्रिट चोरी की सूचना पर दबिश देने पहुंची STF को कुचलने का प्रयास करने वाली सपा नेता अरुण यादव को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। बताने की उसे शहीद पथ के पास पकड़ा गया और उसकी सफारी गाड़ी भी बरामद हो गई है। बताने की अरुण की तलाश में लखनऊ से कानपुर तक छापे मारे गए, उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, बादल से राहत के संग आफत भी बरसे, यूपी में आधी बारिश से 33 की मौत, फसलों को भारी नुकसान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेज आंधी बारिश के कारण 33 लोग की जान चली गई है। लखनऊ समेत कई जगह तार व खम्भे टूटने से घंटों बिजली गुल रही। बता दें कि फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और आम की फसल को भारी क्षति हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, जून से पहले सर्वे कराने की मांग, कोर्ट में 2 अर्जियां पड़ी, 1 जुलाई को होंगी सुनवाई। जी हां, बताने की श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में सरगर्मी लगातार बनी हुई है। बताने की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 2 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। एक में मांग की गई है कि जून की छुट्टियां से पहले ही अमीन कमीशन की नियुक्ति करा ईदगाह का सर्वे करा दिया जाए, जबकि दूसरे में ईदगाह को गर्भगृह मानकर उसे यमुना और गंगा जल से शुद्ध करने की मांग रखी गई है। बताने के दोनों ही मामलों की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर है, शहरों में मजदूरों को नहीं पड़ेगा भटकना, योगी सरकार करने जा रही यह काम। जी हां, आपको बता दें कि काम के लिए दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में शहरों का रुख करने वाले श्रमिकों को वहां रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बता दें कि राज्य सरकार उनके लिए शेल्टर होम के निर्माण की व्यवस्था करेगी। साथ ही बता दें कि श्रम विभाग ने इसे लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लखनऊ सहित कुछ बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, PFI की रैली में बच्चे ने लगाए हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे नारे, हिरासत में कार्यकर्ता। जी हां, बता दें कि भारत देश में सक्रिय चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कार्यकर्ता को हिंदू और ईसाई समुदायों के खिलाफ एक बच्चे से नफरत के नारे लगाते हुए वायरल वीडियो के संबंध में हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि वह केरल के अलप्पुझा जिले में PFI द्वारा आयोजित एक विशाल रैली में बच्चे को लेकर आया था तथा बच्चे से नारे भी लगवाए। वहीं अगली बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारी के लापता होने पर अब तुरंत मिलेंगी पेंशन, सरकार ने नियमों में दी ढील। जी हां, बताने की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कह दिया है कि केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी गई है, जो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित इलाकों के साथ साथ नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वालों के परिजनों के लिए एक बड़ी राहत है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से, भाजपा को 8 और सपा को 3 सीटें मिलनी तय। जी हां, बताने की राज्यसभा के लिए प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बताने की नामांकन 31 मई तक दाखिला किए जा सकेंगे और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बताने की 10 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। बताने की राज्यसभा में यूपी से 31 सांसद हैं, इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, लखनऊ में कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान, अब बिना वैक्सीनेशन कार्ड नहीं मिलेगा लाइसेंस। जी हां, आपको बताने की बिना लाइसेंस के ही कुत्तों को पाल रहे लोगों की भीड़ नगर निगम में नजर आई।
लेकिन कई लोगों के पास लाइसेंस बनवाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड नहीं था। बता दें कि अब कुत्तों को वैक्सीन लगाने के साथ ही उसका कार्ड लाने पर ही लाइसेंस बनेगा और नगर निगम में 200 लोगों ने कुत्ता पालने का लाइसेंस बनवा भी लिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, अब रेलवे स्टेशन पर 1,000 रुपए में 15 दिनों तक सामान बेच सकेंगे हुनरमंद, जाने रेलवे की नई पॉलिसी। जी हाँ, बता दें कि एक स्टेशन एक उत्पाद पॉलिसी में हुनरमंद अपने उत्पाद रेलवे स्टेशनों पर मामूली लाइसेंस फीस देकर बेच सकेंगे। आपको बता दें कि उनको 15 दिनों तक अपने उत्पादों के स्टॉल लगाने के लिए 1,000 रुपए फीस देना होगा और रेलवे बोर्ड ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की पॉलिसी आज जारी कर दी है। बता दें कि रेलवे बोर्ड के निदेशक पर्यटन व कैटरिंग सुमित सिंह ने सभी जोनल मुख्यालयों को पॉलिसी जारी कर दी है। दोस्तों, ये मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। रोजाना की ऐसी ताजा अपडेट के लिए यूपी मौसम जानकारी को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।